दोस्तों नमस्कार, बात करते हैं आईपीएल 2023 का सातवां मैच दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। दिल्ली ने गुजरात को 163 रन का लक्ष्य दिया। दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 162 रन बनाए। टॉस हारकर बैटिंग करने उतरी दिल्ली ने सदी हुई शुरुआत की। डेविड वार्नर 32 गेंद 7 चौके की मदद से 37 रन बनाए। वहीं दूसरी ओर पृथ्वी शॉ ने पहले विकेट लिए 29 रन जोड़े। मिचेल मार्श का बल्ला नहीं चल सका। सरफराज खान ने धीमी गति से रन जुटाए। उन्होंने 34 गेंद में 2 चौके के जरिए 30 रन की पारी खेली। राइली रूसो का खाता नहीं खुला। अभिषेक पौरल ने 11 गेंद में 20 रन का योगदान दिया। डीसी ने 6 विकेट 130 के स्कोर पर खो दिए। सातवें नंबर पर आए अक्षर पटेल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने 22 गेंद में 2 चौके 3 छक्कों की बदौलत 36 रन की पारी खेली। अमन खान 8 सस्ते में आउट हुए। एंड इग्नोर किया 4 और कुलदीप यादव 1 रन बनाकर नाबाद रहे। जीटी के लिए मोहम्मद शामी और राशिद खान ने 3-3 जबकि अल्जेरी जोसेफ ने 2 विकेट चटकाए। वहीं दूसरी ओर गुजरात टाइटंस की बात करें तो लक्ष्य का पीछा करते हुए जीटी की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। ओपनर रिद्धिमान साहा को तीसरे ओवर में एंडी नॉर्के ने बोल्ड कर दिया। सुमन गिल भी कमाल नहीं दिखा पाए। उन्हें भी नॉर्के ने पांचवें ओवर में बोल्ड किया। कप्तान हार्दिक पांड्या का बल्ला नहीं चल सका जो छठे ओवर में खलील अहमद के जाल में फंसे। इसके बाद सुदर्शन और विजय शंकर ने चौथे विकेट के लिए 53 रन की पार्टनरशिप की और गुजरात को सैकड़ा के पार पहुंचाया। शंकर को 14वें ओवर में मिचेल मार्श ने LBW किया। वो 107 के कुल स्कोर पर पवेलियन लौटे। यहां से सुदर्शन और मिला ने मोर्चा संभाला और टीम को जीत की नया पार लगा दी। तो दोस्तों सुदर्शन के इस बखूबी बल्लेबाजी के बारे में आप लोगों का भी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय दें। और मिलते हैं नए अपडेट के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।